क्या हेलेन के पास उसका एक्सेलरेट वाला मास्क नहीं है बेन की तरह? बेंटन ओमनिवर्स में बेंटन अल्टीमेट एलियन के मुकाबले बेन की हाइट कम क्यों थी? भाई अगर ह्यूमंगसौर बड़ा होकर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो बड़ा ही क्यों नहीं रहता? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे ही और भी कई सारे बेंटेन से रिलेटेड मजेदार क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, और हो सकता है कि इसमें तुम्हारा भी क्वेश्चन हो, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आज की वीडियो का लाइक एम है 7000 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जब बेन किसी छोटी जगह में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जगह बड़ी कैसे हो जाती है? तो देखो, अगर बेन किसी छोटी जगह में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जगह बड़ी नहीं होती, बल्कि वो उतनी की उतनी ही रहती है। लेकिन हाँ, अगर बेन किसी बड़े एलियन जैसे कि ह्यूमंगसौर या फिर वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो या तो बेन उस जगह को तोड़ के निकलेगा या फिर वहीं पे अटक जाएगा। क्या हेलेन के पास उसका एक्सेलरेट वाला मास्क नहीं है बेन की तरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके पास अपना मास्क है तो सही, लेकिन वो बेन के एक्सेलरेट से थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन है कि क्या एग्रेगोर मर चुका है? तो नहीं, एग्रेगोर अभी भी जिंदा है और प्लम्बर्स ने उसे पकड़ के नल वॉइड में डाला हुआ है। स्कारलेट विच वर्सेस चार्मकास्टर, स्कारलेट विच। एंड इनका अगला क्वेश्चन है कि जब क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से सभी बेन मर रहे थे, तब अगर कोई बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होता तो क्या वो बच जाता? तो नहीं, गोस्ट फ्रीक की इंटेंजिबिलिटी उसे ज्यादातर फिजिकल अटैक्स से तो बचा लेती है, लेकिन उसकी इंटेंजिबिलिटी उसे किसी भी टाइम अटैक से नहीं बचा सकती। अगला क्वेश्चन है कि रैथ के क्लॉज भला किस मटेरियल के बने हैं? तो देखो, रैथ के क्लॉज असल में किस मटेरियल के बने हैं ये हमें कभी बताया तो नहीं गया, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद रैथ के क्लॉज भी हमारे जानवरों के क्लॉज की तरह ही केराटिन नाम के एक हार्ड प्रोटीन से बने हो सकते हैं। एंड इनके अगले दो क्वेश्चन ये है कि बेन का सबसे नापसंद किया जाने वाला एलियन कौन सा है और बेन का सबसे क्यूटेस्ट एलियन कौन सा है? तो बेन का जो सबसे नापसंद किया जाने वाला एलियन है वो है द वर्स्ट, और सबसे क्यूटेस्ट एलियन है डिटो। अगला क्वेश्चन है कि क्या मुझे पोकेमोन पसंद है और मेरा फेवरेट पोकेमोन कौन सा है? तो हाँ, मुझे पोकेमोन पसंद तो है लेकिन उतना भी नहीं। एंड मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट पोकेमोन है वो है पिकाचू। एंड इनका फाइनल क्वेश्चन है कि कौन जीतेगा, एलियन एक्स या चारिज़ार्ड? बेंटेन अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड नाइट ऑफ द लिविंग नाइटमेयर में जब अल्बिडो का पैर बेन के रूम में पड़ी स्मूदी से फिसल गया था और उसका ड्रीम ईटर उसी के फेस पे चिपक गया था, तो फिर बेन को बुरे सपने क्यों आ रहे थे? तो देखो, अगर आपने उस एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसी सवाल का जवाब उस एपिसोड में मिल जाएगा, जब अल्बिडो बेन की स्मूदी से फिसल के गिर गया था और उसका ड्रीम ईटर उसी के फेस पे चिपक गया था, तभी से अल्बिडो के बुरे सपने भी शुरू हो गए थे। एंड आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बेन के चेहरे पर ड्रीम ईटर चिपकने से लेकर बेन और अल्बिडो की फाइट तक जो भी देखा वो सभी एक्चुअली अल्बिडो के नाइटमेयर का ही हिस्सा था। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो वो एपिसोड एक बार दोबारा से जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। एनीवेज, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक एपिसोड में जब रुक के प्रोटोटूल को मास्टर कुंडो ने तोड़ दिया था तो उसी के थोड़ी देर बाद हमें प्रोटोटूल वापस से रुक के कंधे पर देखने को कैसे मिल गया? एंड इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक्स की स्पीशीज का क्या नाम है? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि वो एक एनिमेशन मिस्टेक थी। जब मास्टर कुंडो ने प्रोटोटूल को एकदम चकनाचूर कर दिया था तब रुक उसे ठीक करवाने के लिए ब्लू किक और ड्रीबा के पास लेके गया था, और क्योंकि प्रोटोटूल को ठीक होने में थोड़ा समय लगता इसलिए रुक वहाँ से उसे बिना लिए ही निकल गया था। लेकिन इस वाले सीन में जहाँ आप रुक को प्रोटोटूल के साथ देखते हो, ये असल में और कुछ भी नहीं बल्कि एक एनिमेशन मिस्टेक थी, क्योंकि इसके अगले ही सीन में आप देख सकते हो कि रुक के पास उसका प्रोटोटूल है ही नहीं। एंड इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि एटॉमिक्स की स्पीशीज का क्या नाम है, इसका जवाब मुझे तो क्या किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एटॉमिक्स की स्पीशीज का नाम अभी तक हमें सीरीज में रिवील किया ही नहीं गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जब बेंटेन एलियन फोर्स में केविन एक मॉन्स्टर बन गया था तो फिर एजमत ने केविन को फिक्स क्यों नहीं किया? एजमत तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो इस छोटी सी प्रॉब्लम को तो बड़े आसानी से ठीक कर सकता था ना। तो हाँ, वो ऐसा कर तो सकता था, लेकिन एजमत ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश मत करो, लेकिन उन्होंने एजमत की इस बात को नजरअंदाज करते हुए ओमनीट्रिक्स को हैक करने की गलती करी, जिसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ा। बेन के ओमनीट्रिक्स में से एलियंस निकल के भाग गए और केविन की ये हालत हो गई।
अगला क्वेश्चन है कि बेन के एको या डिटो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या उनके डुप्लीकेट्स के पास अलग अलग ब्रेन होते हैं या फिर सिर्फ एक ब्रेन होता है, और अगर सिर्फ एक ब्रेन होता है तो वो एक ब्रेन के साथ सबको कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि जूली के साथ खेलते समय तो सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। तो देखो, जब बेन डिटो और एको में ट्रांसफॉर्म होके अपने डुप्लीकेट्स बनाता है तो उन एलियंस के शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी डुप्लीकेट होता है, यानी कि सारे के सारे डुप्लीकेट्स को कोई एक ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। उन सभी डुप्लीकेट्स के पास बेन के ब्रेन की एक एक कॉपी होती है जो कि उनको इंडिविजुअली कंट्रोल करती है। और जहां तक बात रही उस एपिसोड की जिसमें बेन ने एको की मदद से अपने इंसानी रूप के डुप्लीकेट्स बना लिए थे, लेकिन वो डुप्लीकेट्स काफी अलग तरह से बिहेव कर रहे थे, जिसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो डुप्लीकेशन वाली एबिलिटी है ये डिटो और एको जैसे एलियंस के लिए तो नॉर्मल है, पर क्योंकि ये चीज इंसानों के लिए नॉर्मल नहीं है तो इसीलिए जब बेन एको से वापस अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके शरीर के तो 3 डुप्लीकेट्स बन गए, लेकिन साथ ही साथ उसकी 3 पर्सनालिटीज भी बन गई। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, पर आपका इस पे क्या विचार है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एनीवेज, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई, अगर ह्यूमंगसौर बड़ा होकर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो बड़ा ही क्यों नहीं रहता? तो भाई देखो, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब ह्यूमंगसौर 60 फीट बड़ा होकर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होगा तो जो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर होगा वो अपने आप 60 फीट से अपने नॉर्मल साइज में 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो भी अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। क्या हमें बेन 10 की कोई ऐसी सीरीज देखने को मिल सकती है जिसमें एजमत उसके 18 बर्थडे पे उसे मास्टर कंट्रोल अनलॉक करके दे? तो देखो, दिखाने को तो वो ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा दिखाएंगे। मे बी वो लोग बेन को 18 से कम का ही रखें ताकि वो किड्स ऑडियंस को टारगेट कर पाए और बेन को मास्टर कंट्रोल भी ना देना पड़े, क्योंकि अगर बेन को मास्टर कंट्रोल हमेशा के लिए मिल गया तो बेन बहुत ज्यादा ओपी हो जाएगा और क्रिएटर्स के लिए उसे हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 ओमनीवर्स में बेन 10 अल्टीमेट एलियन के मुकाबले बेन की हाइट कम क्यों थी? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेन की हाइट अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स के टाइम पे सेम ही थी। हाँ, ओमनीवर्स वाला डिजाइन अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन से थोड़ा पतला है, जिस वजह से तुम्हें देखने में ऐसा लग सकता है कि बेन की हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी किसी एनिमेटेड शो में कैरेक्टर्स के साइज का इनकंसिस्टेंट होना काफी कॉमन बात है। तो गाइज, ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपका अभी भी बेन 10 से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है कि कुछ लोग मुझसे वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं जिनको मैं पहले ही अपने पिछले फैंस क्वेश्चन के एपिसोड्स में आंसर कर चुका हूं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज राइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके आप मेरी पिछली जितने भी फैंस क्वेश्चन की वीडियोस है उन सभी को देख लो, ताकि जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ वो क्वेश्चंस आप मुझसे ना पूछो बल्कि कुछ नए क्वेश्चंस पूछो।